जैगम भाई, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि सरकार जाती है तो झटका है, सरकार आती है तो मास्टर स्ट्रोक है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं उससे अलग ये, क्या वास्तव में 2024 के मद्देनजर, क्योंकि हिंदी बेल्ट में एक सरकार बीजेपी की गई है, हिंदी बेल्ट में जोड़ दे रहा हूं, किस लिहाज से देख रहे हैं? राहुल, अभी कहना जल्दबाजी है कि भाई एक सरकार चली गई तो बीजेपी कमजोर हो जाएगी या बीजेपी को अपरूट कर देंगे। लेकिन हाँ, ठीक है कि राजनीति में कोई स्थायी शत्रु या स्थायी मित्र तो होता नहीं है, और सबको अपने अपने हिसाब से अलाइन करने का या अपने जो सब गठबंधन है उन्हें करने का अधिकार है, ठीक है। और अभी जो हम देख रहे हैं नीतीश कुमार का जो भी पिछला नजरिया रहा हो या जो भी आगे का, तो उसे देख के कोई स्थायी तौर पे आप ये नहीं कह सकते अभी कि भाई नीतीश कुमार के एकदम पाला बदल लेने से एकदम बीजेपी हिंदी बेल्ट में गायब हो जाएगी या बहुत कमजोर हो जाएगी। हाँ, लेकिन इम्पैक्ट पड़ता है चीजों का, छोटी छोटी चीजें हैं, कई बार एक छोटी सी घटना एक बड़ा राजनीतिक परिदृश्य बन सकती है या बदलाव का वजह भी बन सकती है। लेकिन इससे बड़ा जो इशू है अभी हम देख रहे हैं, जो महाराष्ट्र का जो भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, अगर उसमें फैसला उद्धव ठाकरे के पक्ष में आता है तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि हाँ, एक बदलाव का इम्पैक्ट या कोई बदलाव का कोई चीज जो है वो वहां से उसे ट्रिगर कर सकता है। लेकिन चूंकि अभी विपक्ष बेहद कमजोर है, अभी हमें हालत लगती नहीं कि विपक्ष में कोई ऐसी पार्टी है कि एकदम रिप्लेस कर ले, या नीतीश कुमार आके एकदम कोई 30 सीट या 35 सीट करके और बीजेपी को बहुत ज्यादा, ये भी तो हो सकता है कि 2024 से पहले उन्हें लग रहा हो कि बीजेपी के साथ हम नहीं जीत सकते हैं और 2024 में इलेक्शन हो जाए फिर वो बीजेपी के साथ चले जाए। तो मतलब ये जो आयाराम गयाराम वाली पॉलिटिक्स है, इसमें कोई बहुत ही एकदम एक तरफा कहना कि एकदम कोई बहुत बदलाव आ गया है या हम एकदम बहुत खुश हो जाए या बहुत दुखी हो जाए। और बाकी ये जो सत्ता पक्ष है या जो बीजेपी है, बीजेपी के लोगों को भी ये मतलब ये स्वीकार करना चाहिए कि राजनीति में जो है ये सब चीजें चलती रहती हैं कि आपका गठबंधन हो भी सकता है, टूट भी सकता है, और उसे स्वीकार करना चाहिए। मतलब ये लोकतंत्र का जो ये मल्टी पार्टी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये इसका हिस्सा है और ये होता रहेगा, ये कोई नई बात नहीं है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है या आखिरी बार नहीं हो रहा है। और ये सोच लेना कि अब एकदम कोई स्थायी तौर पर बदलाव आ गया तो ये भी एक जल्दबाजी है। मतलब इस पे कोई साफ तौर पे भी कहना बहुत मतलब इनिशियल स्टेजेस वाला मामला है। जी राहुल, बिल्कुल, ये बात सही है। और दूसरा, चूंकि नीतीश कुमार की जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देते हैं तो वो दिखता भी है, कोई लिख के तो दे नहीं सकते हैं वो कि मैं इनके साथ रहूंगा रहूंगा ना। पहले जाते वक्त जहां गए थे वहां दिया था, ना यहाँ दे पाएंगे, लेकिन फिलहाल जो है गए हैं। राजीव भाई, एक चीज मुझे बताइएगा कि चूंकि नीतीश कुमार की पार्टी लीगल स्टेटस जो भी हो, लेकिन अल्टीमेटली क्षेत्रीय पार्टी है, ठीक है। एक आध एमएलए उनके वहां निकलते हैं, एक आध एमएलए उनके नॉर्थ ईस्ट में निकल जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन है क्षेत्रीय पार्टी बिहार तक की सीमित। और लालू यादव की पार्टी आरजेडी, वो भी क्षेत्रीय पार्टी है, मतलब उनका जो ताकत है वहीं पे। क्षेत्रीय पार्टियों के लिए बिना सरकारों के सरवाइव करना अब एक किताबी बात रह गई है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।